और बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपको बता दें, जयपुर से मिल रही है। राजस्थान में चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की हिदायत, निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि भाषणों में विशेष योग्यजन के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। विशेष योग्यजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा ने स्वतः प्रसंज्ञान लिया था और पिछले दिनों बीजेपी के ओशिया से पूर्व एमएलए भैराराम सियोल के भाषण में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अंधी बहरी लूली लंगड़ी सरकार को उखाड़कर फेंकना है, अगर विशेष योग्यजनों का अपमान किया तो 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। आज आप देखेंगे कि केंद्र के अंदर भी अगर सरकार की बात करें तो दिव्यांगजन शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वहीं राजस्थान सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने विशेष योग्यजन शब्द जो है समस्त विशेष योग्यजनों के लिए दिया है, तो यह एक सम्मानजनक रूप में ही जो बात की जानी चाहिए। और अपने किसी भी फायदे के लिए, लाभ के लिए इस तरीके के शब्द बोलना यह उचित नहीं है। सहयोगी आशीष मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को हिदायत दी है कि विशेष योग्य जनों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरी खबर साझा करिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए मनी, जिस तरीके से लगातार जो नेताएं हैं उनकी जो बोल है वो चुनाव नजदीक आते आते बिगड़ते जाते हैं, इसीलिए राजनीतिक दलों को ये हिदायत दी है निर्वाचन विभाग ने कि आप इस तरह के शब्दों का उपयोग ना कीजिए। कुछ दिन पहले ही जिस तरह से जो विधायक है, पूर्व विधायक है बीजेपी से, उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से अपमान किया था विशेष योग्यजनों का, और इस तरह के जो अपमानित शब्द से विशेष योग्यजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा ने प्रसंज्ञान लिया था, और इसमें न्यायालय ने ये सभी जिला कलेक्टर्स और सभी एसपी को पत्र लिखकर ये निर्देश दिए थे कि इसकी पालना की जाए, क्योंकि जिस तरीके से अपमानित शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और ये पहली बार नहीं है जब विशेष योग्यजनों का अपमान किया गया है, बल्कि इससे पहले भी कई बार अपमानित हो चुके हैं। इसीलिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव से पहले उनको ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप इस तरह के शब्दों का उपयोग ना कीजिए, और साफ तौर पर हिदायत दी है, निर्देश दिए हैं कि यदि आप इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप पर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जिस तरीके से इस ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर 5 साल की सजा और 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है उसका प्रावधान भी रखा गया है। तो निश्चित तौर पर चुनाव निर्वाचन विभाग ने इस तरह की जो हिदायत दी है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है उनके जो बोल है वो कहीं ना कहीं उन बोल पर, इस तरह के अमर्यादित बोलों पर लगाम लगेगी, और अपने भाषणों में वो इस तरह के जो अपमानित शब्द है उसका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य में देखिए विशेष योग्यजन इस्तेमाल किया जाता है और केंद्र सरकार में दिव्यांगजन इस्तेमाल किया जाता है, तो निश्चित तौर पर उनका सम्मान देने के लिए ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि उनका अपमान होता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसीलिए और मुझे लगता है आशीष, क्योंकि चुनावी साल चल रहा है, कुछ महीने बचे हैं चुनाव शुरू होने में, ऐसे में तमाम पार्टियों के जो नेता हैं उनके बयानबाजी तेज हो जाएगी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी और तेज हो जाएगा, ऐसे में निर्वाचन आयोग की ये हिदायत कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।